हाउ टू फिक्स वोडाफोन टीवी ऐप नॉट वर्किंग प्रॉब्लम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का टेक राज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप कैसे वोडाफोन टीवी ऐप के किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो ऐप नॉट वर्किंग हो, ऐप नॉट ओपनिंग हो और ऐप अनफॉर्चुनेटली स्टॉप बता रहे हो, और या तो फिर आपको यहाँ में वोडाफोन टीवी ऐप के रिगार्डिंग जितने भी एरर या तो फिर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो के साथ बने रहे और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कम से कम 4-5 सॉल्यूशन बताऊंगा वोडाफोन टीवी ऐप के रिगार्डिंग, आपका यहाँ में जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो सब यहाँ में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को यहाँ में लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ में सबसे पहले तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको जाना है आपके प्ले स्टोर में। तो प्ले स्टोर में जाइए, उसके बाद आप यहाँ में सर्च कीजिएगा वोडाफोन टीवी। तो यहाँ में लिख दीजिए वोडाफोन, तो यहाँ में आ चुका है। तो दोस्तों आपको यहाँ में क्या करना है, सबसे पहले तो इसका अपडेट कर लेना है। ठीक है, कभी कभी अपना ऐप जो है उसमें अपडेट नहीं होने की वजह से ऐसा प्रॉब्लम्स आ जाता है। आप इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप इसे अपडेट कीजिए, अपडेट करने के बाद जो है आपका यहाँ में प्रॉब्लम चला जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप पहले तो अपडेट कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ में अपडेट करने के बाद जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो ठीक है, और यदि आपका यहाँ में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाता है तो आपको क्या करना है, आप इसे बैक कर लीजिएगा। तो इसे बैक करने के बाद आपको जाना है आपके फ़ोन के सेटिंग्स पर। तो यहाँ में हम फ़ोन सेटिंग्स को ओपन कर लेते हैं। फ़ोन सेटिंग्स ओपन करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे, नीचे चले जाइए, उसके बाद आपको जाना है मैनेज ऐप्स पर। ठीक है, तो यहाँ में आपको मैनेज ऐप्स, एप्लीकेशन मैनेजर या तो फिर इंस्टॉल ऐप करके मिल सकता है। तो आपको यहाँ में इसे ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ में सर्च करके जाना है वोडाफोन टीवी ऐप पर। तो यहाँ में हमको बहुत नीचे जाना पड़ेगा। तो यहाँ में आ चुका है वोडाफोन प्ले, तो आप इसे ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद जो है आपको सबसे पहले तो जो है इसका क्लियर डाटा कर लेना है। क्लियर डाटा में क्लिक कीजिए, ओके कर दीजिए, उसका डाटा क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमें क्लियर हो चुका है डाटा। और इसके बाद आपको जाना है आपके ऐप परमिशन पर। तो ऐप परमिशन यहाँ में ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद जो है आप इसका परमिशंस यहाँ में इनेबल कर लेना है। तो यहाँ में परमिशंस इनेबल करने के बाद दोस्तों आपको फिर से हमें क्या करना होगा, आप फ़ोन को रिस्टार्ट कर दीजिएगा। फ़ोन रिस्टार्ट करने के बाद जो है आपका यहाँ में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ में जितने भी वोडाफोन टीवी ऐप पर प्रॉब्लम आ रहा है, एरर आ रहा है, वो यहाँ में सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। ठीक है, और यदि आपका यहाँ में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, तो हम इसे बैक कर लेते हैं। और बैक करने के बाद आपको सेटिंग्स में आ जाना है फिर से, और यहाँ में आपको मिलेगा अबाउट फ़ोन। तो अपने अबाउट फ़ोन में जाइए, अबाउट फ़ोन में जाने के बाद जाइए सिस्टम अपडेट पर, और उसके बाद जो है आप यहाँ में सिस्टम अपडेट कर लीजिएगा। सिस्टम अपडेट नहीं होने की वजह से आपका यहाँ में यह सब प्रॉब्लम्स आ जाता है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ में आपको इसका अपडेट करना ज़रूरी है। आप अपडेट कीजिए, अपडेट करने के बाद फ़ोन को रिस्टार्ट कीजिए, और उसके बाद आपका यहाँ में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ में जितने भी वोडाफोन टीवी ऐप के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स आ रहा है, एरर आ रहा है, वो यहाँ में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो ठीक है, और यदि आपका यहाँ में बाई चांस से भी सॉल्व नहीं हो पाता है तो आपको क्या करना होगा, आपको इसे बैक कर लेना है। और बैक करने के बाद जो है अपना वोडाफोन प्ले टीवी ऐप इसको डायरेक्टली इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद फिर से रिइंस्टॉल कीजिएगा, उसके बाद तो जो है आपका यहाँ में प्रॉब्लम जरूर सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैंने जो आपको यहाँ में सॉल्यूशन बताया उससे आप पहले तो ट्राई कीजिएगा, और यदि आपका यहाँ में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है और लास्ट ऑप्शन बचा है तभी आप अपने वोडाफोन यहाँ में टीवी को इंस्टॉल कीजिएगा, वरना यहाँ में आप इंस्टॉल मत करना। ठीक है, तो उम्मीद करें दोस्तों आपका वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।